क्या आप सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके तमाम अप्रूवल्स मौजूद हों और ऑन ग्राउंड वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो और इन्वेस्ट करते साथ ही आपको रेंटल मिलना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अली अब्बास है। CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहीं पर भी सरमायाकारी करने से पहले 4 स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ मैं आपसे एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी शेयर करूँगा। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपने 4 स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन को देखना है। वो क्या है? OADD, O stands for ownership। सबसे पहले तो चीज़ आपने देखनी है, आपने देखना है कि वो जो लैंड आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या प्रोजेक्ट, वो डेवलपर के नाम पे है कि नहीं, उसके क्या मल्टीपल ओनर्स तो नहीं है या वो बैंक प्लॉट तो नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं उसके अप्रूवल्स, उसके तमाम अप्रूवल्स मौजूद होने चाहिए, उसके तमाम NOCs कम्प्लीट होने चाहिए। अगर वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है तो LDA के से अप्रूव हो, अगर वो लाहौर में नहीं आता, इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है, तो वो CDA से अप्रूव होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है डिमांड बेस्ड होना, प्रोजेक्ट डिमांड बेस्ड हो, ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी नीड हो और किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता हो। फोर्थ पे आता है डिलीवरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें डिवेलपर की हिस्ट्री आ जाती है कि जिस डिवेलपर ने वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या इस प्रोजेक्ट से पहले उसने कुछ डिलीवर किया है और एज़ पर टाइम और एज़ पर कमिटमेंट था, ये आपने देखना है। इन 4 स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन के बाद जो 2 चीज़ें आपने देखनी है वो है सिक्योरिटी, कि जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी क्या सिक्योरिटी है, आपके और डेवलपर के दरमियान जो भी बात हो रही है क्या वो वर्बल तो नहीं या किसी बुकिंग फॉर्म के ऊपर तो नहीं हो रही, आपकी डेवलपर के साथ जो भी बात हो वो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपके और उसके दरमियान जो भी मुआहदा हुआ है, जो भी बात हुई है, वो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर हो। तो ये एक लीगल पेपर आपकी और डेवलपर की कन्वर्सेशन को ऑथेंटिक करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाती है लिक्विडिटी, कि जो चीज़ आप बाय करने जा रहे हैं आपने उसको ये देखना है कि जो चीज़ भी आपने बाय किया उसको रीसेल करना कितना आसान है। ऐसी चीज़ मत ख़रीद लें जिसको रीसेल करना आपके लिए भी मुश्किल है और एजेंट्स भी आपकी हेल्प ना कर पाएँ। तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि 4 स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन को भी क्लियर करती है, उसकी सिक्योरिटी भी है और लिक्विडिटी भी। जी तो मैं बात करने जा रहा हूँ इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, जो कि इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा डेवलपर है, जिन्होंने ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, जिनका नाम है अमेज़ॉन आउटलेट मॉल, उसके बाद आ जाता है इमारत बिल्डर्स मॉल और तीसरे नंबर पे फ्लोरेंस गैलरिया। फ्लोरेंस गैलरिया नियर टू डिलीवरी है, लेकिन ऑलमोस्ट उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है और वो फिनिशिंग फेज़ में है। इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करें तो वो OADD में फॉल करते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अपने नाम पर होते हैं, तमाम अप्रूवल्स उनकी मौजूद होती है, डिमांड बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं और डिलीवरी उनकी एज़ पर टाइम जो भी उनका गिवन टाइम है उससे पहले डिलीवर किए हैं उन्होंने प्रोजेक्ट्स। इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो आपको हाई रेंटल ऑफ़र कर रहे हैं, कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रेंटल मिलता है 18% पर NM के हिसाब से आपको रेंटल मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 मिलियन है, 2 मिलियन की अमाउंट एक ऐसी अमाउंट है जिसमें ना तो कोई प्रॉपर्टी आती है ना कोई प्लॉट आता है, तो इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक ऑप्शन दी हुई है कि आप 2 मिलियन भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें वो आपको स्क्वेयर फीट सेल करते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, जिसमें आपको 18% पर NM के हिसाब से रेंट मिलता है, जिसकी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँ तो 20 लाख के ऊपर आपको 30,000 रुपया महाना रेंट मिलता रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि लिक्विडिटी और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बात करें तो आपकी और इमारत के दरमियान जो डील होती है वो लीगल पेपर के ऊपर होती है, जिसके अंदर डेवलपर ने आपको स्क्वेयर फीट्स बेचे होते हैं, यानी एक कमोडिटी दी आपको प्रॉपर्ली, जो आपको कमिट कर रहा है कि 1 साल के बाद
आप 20 लाख रुपए वापस ले सकते हैं डेवलपर से। अब लीगल पेपर्स के ऊपर डेवलपर कमिट करता है कि जो 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं और उसके अगेंस्ट आप 30,000 रुपया महाना रेंट ले रहे हैं, एक साल के बाद वो वापस लेने का पाबंद है और आप पाबंद नहीं हैं। चाहें तो आप अपनी अमाउंट को बाई बैक करवा लें एक साल में, चाहे उसको अगले साल के लिए रीन्यू करवा लें। सिक्योरिटी वाला फैक्टर इमारत कवर करता है कि आपकी जितनी भी बात है वो लीगल पेपर्स के ऊपर हुई। दूसरे नंबर पे बात आ गई लिक्विडिटी की कि इसको बेचना नहायत आसान। एक साल के बाद जब आपको आपके पैसे वापस चाहिए, सिंपल आपने एक ईमेल जनरेट करनी है कि जी मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मैं यहाँ से क्विट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको आपकी अमाउंट विद इन टाइम लाइन वापस दे दी जाती है। 2 मिलियन की एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये एक मिनिमम अमाउंट है जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपने फंड्स के मुताबिक जितने भी आपके पास अरेंजमेंट है, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट डील ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो इस्लामाबाद का नंबर 1 डेवलपर है जिसमें इन्वेस्ट करना नहायत सेफ एंड सिक्योर और नहायत प्रॉफिटेबल है। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि वो लोग जो मंथली रेंटल देख रहे हैं और अट्रैक्टिव रेंटल देख रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंसिडर करें। इस प्रोजेक्ट की डिटेल के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर के ऊपर। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।